इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 2 से आंकड़ों का संग्रह के अंतर्गत हम समंकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि समंक का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषा है, समंकों के विभिन्न प्रकार, समंकों को संकलित करने वाली रीतियां कौन सी हैं, तथा अंत में प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों में क्या अंतर है। समंक दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राथमिक समंक तथा दूसरा है द्वितीयक समंक। समंक की परिभाषा इस प्रकार है, सामान्य शब्दों में समंक का अर्थ तथ्यों के उन समूह से होता है जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सके, जिन्हें शुद्धता के एक उच्च स्तर द्वारा गिना या अनुमानित किया जा सके, अर्थात किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए जिन्हें एकत्रित किया जाता है और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसको समंक या डेटा कहते हैं। प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता किसी निश्चित उद्देश्य के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित या संकलित करता है, अर्थात प्राथमिक समंक के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सबसे पहले डेटा या आंकड़ों को स्वयं इकट्ठा करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कहेंगे कि यह अनुसंधान मौलिक होता है, ओरिजिनल होता है। यह जो समंक होते हैं किसी की कॉपी नहीं होते, इसमें अनुसंधान अपने खर्चे में सारे डेटा को स्वयं प्रत्यक्ष रूप में जाकर इकट्ठा करता है। प्राथमिक समंक को संकलित करने की कुछ रीतियां इस प्रकार हैं। पहला हो गया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसमें जो अनुसंधान करता है वह स्वयं जाकर लोगों से मिलता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, और उनसे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करता है। यह जानकारी पर्सनली मेथड या पर्सनों की अनुसूची तैयार करके कर सकता है। दूसरा आता अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इसमें व्यक्तिगत अपने अधीन कुछ व्यक्तियों को ट्रेनिंग देकर उनको मौखिक अनुसंधान के लिए प्रेरित करता है, और इसमें स्वयं वो डायरेक्ट उनसे ना मिलकर किसी अन्य के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करता है। तीसरा, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। इसके अंतर्गत भी जो अनुसंधान करता है वो जो लीगल जो सरकारी एजेंसी होती है वहाँ से भी सूचनाएं डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है, संवाददाताओं को नियुक्त कर सकता है और उनको ट्रेनिंग देकर अलग अलग क्षेत्रों में भेज सकता है ताकि वो वहाँ से सूचनाएं इकट्ठा करें। ये वाली जो सूचना होती है विस्तृत रूप में जब जानकारी प्राप्त करनी होती है प्रत्येक व्यक्ति से, तब इसका वो प्रयोग करता है जब उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो। इसके बाद है सूचकों के द्वारा अनुसूचियां तथा प्रश्नावली भरना। इसमें अनुसंधानकर्ता अपने अधीन जो सूचकों होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देकर उनको अनुसूचियां तथा प्रश्नावली भरना सिखाता है, तब वो लोग जाकर फील्ड एरिया में जाकर अन्य लोगों के साथ अनुसूचियां और प्रश्नावली भरते हैं और लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद लास्ट है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। इसमें जो अनुसंधान करता है वो अपने अधीन प्रगणकों को नियुक्त करता है और उन्हें अनुसूची भरना सिखाता है, फिर वो प्रगणक घर घर जाकर लोगों से सूचना प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की सूचना भारत सरकार द्वारा देश में जितने भी शिक्षक होते हैं उनके माध्यम से जनसंख्या के आंकड़े
इकट्ठा जो किए जाते हैं वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जनसंख्या से संबंधित आंकड़े प्रत्यक्ष लोगों से यहाँ पर लिए जा रहे हैं और यहाँ पे भी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके बाद आता है द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जो पहले से ही किसी के द्वारा या अन्य अनुसंधान या संस्थाओं द्वारा अपने किसी निजी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित किए हुए होते हैं। इन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित नहीं करता अपितु वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित सामग्री का उपयोग करता है। यह समंक मौलिक नहीं होते, ओरिजिनल नहीं होते। द्वितीय समंक में क्या होता है कि यह समंक पहले से किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा या कोई संस्था, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जैसे बैंक हो या व्यापारी प्रतिष्ठान हो, उन्होंने अपने निजी उद्देश्य के लिए ये आंकड़े पहले से इकट्ठा किए हुए होते हैं। किसी अन्य अनुसंधानकर्ता जो उस विषय पे रिसर्च कर रहा हो या सर्वे कर रहा हो, वो क्या करता है कि दोबारा स्वयं आंकड़े इकट्ठा ना करके जो उनसे पहले जिस व्यक्ति ने या जिस संस्था ने आंकड़े इकट्ठा किए थे वहां से वो आंकड़े ले लेता है, उस सामग्री का प्रयोग करता है। लेकिन इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग करने के लिए उसे सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि यह समंक मौलिक नहीं होते, ओरिजिनल नहीं होते हैं। द्वितीय समंक को सकलित करने की कुछ रीतियां इस प्रकार है, जैसे सरकार द्वारा प्रकाशन, जो हमारे सेकेंडरी जो डेटा होते हैं ये सरकार द्वारा पहली प्रकाशित किए गए होते हैं, यहाँ से भी हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, सरकार द्वारा प्रकाशित डेटा है, इसको कोई भी अनुसंधानकर्ता यहाँ जाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशन, जैसे यूएनओ हो गया आपका, यूनेस्को हो गया, ये लोग, ये संस्थाएं भी विश्व भर में कई प्रकार के शोध कार्य करती हैं और अपने डेटा प्रकाशित करती हैं, और इनको भी इनकी मैगजीन में डेटा छपता है, जिसको आप आसानी से यहाँ पे रिसर्च के माध्यम से यहाँ से डेटा ले सकते हैं। इसके बाद है अर्ध सरकारी संस्थाएं, जैसे ONGC हो गया, बैंक हो गया, RBI हो गया, कई सारी संस्थाएं होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो भी अपने जो डाटा होते हैं, जो रिसर्च उन्होंने की होती है, उसका भी प्रकाशन वो करते हैं, जैसे समाचार पत्रों में आदि में ये उन्होंने प्रकाशित किया है। इसके बाद आ गया आपका व्यापार तथा उद्योग द्वारा प्रकाशन। व्यापार उद्योग द्वारा भी इस प्रकार का प्रकाशन किया जाता है, समाचार पत्रों में और जो बिजनेस मैगजीन होती है उसमें भी अपने आंकड़े प्रकाशित करते हैं, वहाँ से भी कोई भी व्यक्ति उन आंकड़ों को ले सकता है। इसके साथ होता है विश्वविद्यालय द्वारा या शोध संस्थाओं द्वारा शोध पत्र, जैसे SCRT, NCERT हो गया आपका, और कई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है, वो वहाँ के विद्यार्थी भी शोध पत्र जारी करते हैं और वे मैगजीन पे और समाचार पत्रों में उनको प्रकाशित करते हैं, जहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। जैसे ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अंक, यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हो अपने विषय के अनुसार। इसके बाद है समाचार पत्र तथा पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशन और व्यक्तिगत अनुसंधान। इसके साथ साथ समाचार पत्रों में, जैसे समाचार पत्रों में भी बीच बीच में लोग अपने शोध प्रकाशित करते हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी शोध प्रकाशित करते हैं, जिसको हम लाइब्रेरी से प्राप्त कर सकते हैं, लाइब्रेरी या पुस्तकालय से हम ये जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद कई सारे व्यक्ति अलग अलग शोध कार्य करते हैं, तो वो शोध कार्य भी वे प्रकाशित करते हैं, जो हम उनकी आज्ञा के अनुसार उनसे प्राप्त कर सकते हैं और उनको अपने रिसर्च कार्य, शोध कार्य में उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आज जो सबसे लोकप्रिय है वो ऑनलाइन शोध पत्र, इसमें कई सारे लोगों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा, सरकार द्वारा अपने शोध पत्र ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रकाशित किए जाते हैं, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन प्रकाशन,
इससे आदमी घर बैठा बैठा कंप्यूटर की सहायता से ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर शोध कार्य पे जो लोगों ने रिसर्च की होती है वहाँ से जानकारी अपने अनुसार ले सकता है। और इसके साथ साथ विद्यालयों में जो हमें जानकारी लेनी है छात्र संख्याओं के बारे में और छात्रों की पढ़ाई के बारे में जानकारी लेनी है, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति से ना लेकर वहाँ के क्लास टीचर या प्रिंसिपल से जानकारी सीधा ली जा सकती है। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये थे द्वितीय समंकों को संकलित करने की रीतियाँ। प्राथमिक तथा द्वितीय समंकों में अंतर, पहला अंतर आएगा प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं और अनुसंधानकर्ता इन्हें स्वयं एकत्रित करता है, अर्थात ये ओरिजिनल होते हैं और इसमें अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से लोगों के पास जाकर डेटा स्वयं इकट्ठा करता है। जो द्वितीय समंक होते हैं उसका संबंध किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा पूर्व काल में संकलित किए हुए आंकड़ों से होते हैं, अर्थात इन लोगों ने आंकड़े पहले से ही इकट्ठा किए हुए होते हैं अपनी सुविधा या अपने शोध कार्य के अनुसार। इनका संचालन में धन, समय और श्रम और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक इकाई से जानकारी इकट्ठी करनी होती है, जिसके लिए उसे उन लोगों के पास बार बार जाना पड़ता है, जिसमें धन खर्च होता है, समय खर्च होता है, मेहनत लगती है और अपने अधीन कुछ व्यक्तियों को ट्रेन करने का भी खर्च उठाना पड़ता है। द्वितीयक समंक में केवल आंकड़ों को लिया जाता है या बोरो किया जाता है, इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़े इकट्ठा ना करके जो पहले की संस्थाएं होती हैं या व्यक्ति होती है जिन्होंने पहले से शोध कार्य किया होता है उनके आंकड़ों को यहाँ पर कॉपी कर लिया जाता है या वहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार आंकड़ों को लिया जाता है। प्राथमिक समंक का उद्देश्य अनुसंधान के अनुकूल होता है, अर्थात इसमें जो शोधकर्ता होता है वो अपने विषय के अनुसार अनुसंधान कार्य कर सकता है, उसके अनुसार वे प्रश्नावली बना सकता है और उसके अनुसार वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसमें जो सेकेंडरी डाटा होता है उसका उद्देश्य पहले से ही इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अनुसार होते हैं, तो इसमें ज़्यादा बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इन्हें अनुसंधानकर्ता समग्र से उपलब्ध सांख्यिकी इकाइयों से प्राप्त करता है, अर्थात इसमें अनुसंधानकर्ता जानकारी प्रत्येक इकाई या प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त करता है प्रत्यक्ष रूप से, चाहे व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन के रूप से या पर्सन आदि के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। सेकेंडरी डाटा में व्यक्ति अन्य संस्थाओं द्वारा पूर्व में जो डाटा संकलित किए गए होते हैं या संस्थाओं द्वारा पूर्व में जो शोध कार्य किए गए होते हैं उन्हीं से वो अपना आंकड़ों को या डेटा को प्राप्त कर लेता है। इसका प्रयोग करने में अनुसंधानकर्ता को अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों से जानकारी लेता है, तो इसमें आंकड़ों की गड़बड़ी होने की संभावना कम रहती है, इसलिए उसे ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सेकेंडरी डाटा में द्वितीय समंकों से जानकारी लेने में हमें बहुत अधिक जांच पड़ताल करनी पड़ती है, क्योंकि जो पूर्व में जानकारी जो आंकड़े लिए गए थे उनका विषय अलग हो सकता है तथा इन स्रोतों का उद्देश्य अनुसंधानकर्ता का पता लगाया जाता है, मतलब अनुसंधानकर्ता पहले पूर्व में लिए गए जो शोध कार्य हैं उनका विषय का चयन को देखता है, उसके बाद ही उन आंकड़ों को अपने
शोध कार्य में प्रयोग कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्राथमिक जो समंक होते हैं उनका सबसे अच्छा उदाहरण सरकार द्वारा जनसंख्या की गणना करना। ये एक बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा करती है और इसके लिए आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में जितने भी शिक्षक होते हैं या नगरपालिका होती हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाता है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से ट्रेंड होकर लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। सेकेंडरी डाटा का सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि विद्यालय में जैसे छात्र छात्राओं की गणना करनी हो तो इसके लिए अनुसंधानकर्ता प्रत्येक छात्र और छात्राओं से जानकारी प्राप्त ना करके केवल विद्यालय के प्रधानाचार्य या जो वहाँ का इंचार्ज तथा कक्षा अध्यापक आदि से जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वो डायरेक्ट बच्चों से जानकारी ना लेकर इनडायरेक्ट वे में जानकारी प्राप्त करता है। तो आपने आज सीखा कि प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों में क्या अंतर होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने आंकड़ों का संग्रह के बारे में विस्तार से अध्ययन किया कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसे अनेक उद्देश्य होते हैं जिनके अंतर्गत आंकड़े प्राप्त करना, उन्हें एकत्रित करना, वर्गीकृत करने के उपरांत विश्लेषण करना और फिर उन्हीं विश्लेषित आंकड़ों को प्रकाशित करना आवश्यक होता है ताकि सभी के लिए वह डेटा आसानी से प्राप्त हो सके। इस तरह की प्रक्रिया प्राय समस्त अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे आंकड़ों की सदैव ही आवश्यकता पड़ती रहती है, चाहे फिर वे आर्थिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक अथवा धार्मिक ही क्यों ना हो।